हेलो, जय श्री स्वामीनारायण। श्री सहजानंद गुरुकुल संचालित SSGM इंग्लिश मीडियम स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव डैट √5 इज इरेशनल नंबर। हम तो जानते हैं कि √5 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका ठीक अपोजिट हम चलते हैं। यानी इरेशनल नंबर है तो इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे, और रेशनल नंबर मान के उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में हम दिखा देंगे कि क्या √5 रेशनल नंबर नहीं है। जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, तो इरेशनल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। तो हम लिखेंगे लेट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, हमने एजम्पशन कर लिया क्या कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। हमने एजम्पशन क्या कर लिया, √5 एक इरेशनल नंबर है। देन √5 इक्वल टू क्या होगा, √5 इक्वल टू, जब रैशनल नंबर है यानी a बाई b के फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम क्या होता है, जिसके ओनली फैक्टर, कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, वन होते हैं। अब देखो 5 और 4 मैंने लिखा है, ये किससे किससे डिवाइड होंगे, ओनली वन से। इसके दोनों बीच में कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, वन मिलेगा। यानी ये क्या हो गया हमारा, को प्राइम नंबर। यानी हमने क्या मान लिया कि √5 इक्वल टू ए अपॉन बी। क्यों, क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर माना है, तो रेशनल नंबर ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है। अब इसको हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ नहीं तो अपन वन कर लो, ये इधर जाएगा, तो बी √5 से मल्टीप्लाई होगा, √5 b, और वन में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a हो जाएगा। इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यानी √5 बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर। अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, तो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और बी स्क्वायर इधर क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। देख लीजिए √5 का स्क्वायर 5 मैंने क्यों लिखा, तो 5 का स्क्वायर इट मीन्स 2 टाइम्स √2, √5 × √5 वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। तो 5 5 जो क्या होगा, 25 रूट में, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। इसलिए जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या करते हैं, डायरेक्ट हटा देते हैं। यानी रूट का स्क्वायर किया, रूट हट गया, यानी क्या मिला, 5 मिला। तो यहाँ तक क्लियर। यानी इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। 5 को मैं इधर लेके चला आया। क्लियर। अब यहाँ देखो, यानी ए स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है, लिखेंगे सिंस ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। ए स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है या डिवाइड हो जा रहा है, तो देयर फोर ए इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। क्लियर। अब इसको मैंने भी क्या बोला कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। एक एग्जाम्पल शॉर्ट में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो, जैसे मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है, तो यानी ये जब 5 से डिवाइडेड है, इसका डिवाइड क्या है, 5 का स्क्वायर अगर 5 से डिवाइडेड है, 5 5 25, तो इस किसका स्क्वायर 25, तो 5 क्या आया था, 5 भी तो देखो तो 5 से डिवाइड हो जा रहा है वन टाइम में।
जब इसका स्क्वायर जो हो रहा है वो 5 से डिवाइड है, जिस नंबर का स्क्वायर जिस नंबर से डिवाइड होता है तो विदाउट स्क्वायर वाला नंबर भी क्या होगा, उस नंबर से डिवाइड होगा। जब 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो जो जिस नंबर का स्क्वायर निकाला हूँ वो अभी क्या होगा, 5 से डिवाइड हो जा रहा है। देखो यहाँ 5 हो जाए 25, ये 5 भी तो वन टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 5 × 5। क्लियर? इसलिए मैं हम लोगों ने यहाँ पर लिखा ए स्क्वायर डिवाइड बाई 5, तो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5। क्यों लिखा है, क्लियर हुआ यहाँ पर? जब इस नंबर का स्क्वायर 25 हो रहा है जो कि 5 से डिविजिबल है, तो यह भी नंबर तो 5 से ऑटोमेटिक डिवाइड होगा। यानी किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो नंबर ऑल्सो डैट नंबर से डिवाइड होता ही होता है। क्लियर? यहां तक क्लियर? तो अब देखो यहां पर, जब ए स्क्वायर 5 से डिवाइडेड है, क्या ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिवाइडेड है, तो ए भी 5 से डिवाइड है। तो जब किसी नंबर में, जब ए हमारा क्या है 5 से डिवाइडेड है, तो अगर हमको ए का वैल्यू पता होगा तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आएगा कि नहीं आएगा। हम यहाँ पर तो क्लियर है कि ए क्या है, 5 से डिवाइड है, पूरे पूरे क्या हो जाए डिवाइड हो जा रहे हैं। यानी ए से जब डिवाइड करेंगे, 5 से ए में डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा हमको, उस क्वेश्चन को मैंने क्या मान लिया, सी मान लिया। यहाँ से देखो ए इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, यानी ए क्या है 5 से पूरे पूरे डिवाइड हो जा रहा है। यानी हम ए में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें क्वेश्चन तो मिलेगा, उस क्वेश्चन को मैंने क्या मान लिया, सी। जैसे हमको ए पता चल जाएगा तो सी भी पता चल जाएगा। तो फिर हम यहां से करेंगे, लेट ए इक्वल टू 5c। क्यों? ये डिविजर है और ये क्या हमारा क्वेश्चन है, रिमाइंडर तो आएगा नहीं क्योंकि पूरे पूरे डिविजिबल है, तो प्लस रिमाइंडर लिखने की जरूरत ही नहीं है। यानी ए इक्वल टू क्या होगा 5, यानी 5 से डिवाइड हो रहा है ए, जो क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम में, सी टाइम में, वेयर सी इज सम इंटीजर्स, सम इंटीजर्स, वेयर सी इज सम इंटीजर्स, जहां सी क्या है कोई इंटीजर्स है। जैसे हमको ए पता चल जाए क्या है, तो सी भी पता चल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 5ab² इक्वल टू a² को हमने क्या मान लिया है, इक्वेशन 1 मान लिया है, 5b² इक्वल टू a² इक्वेशन 1 था। अब इस a का वैल्यू पता क्या चल गया हमको, 5c। इस a का वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग पुट ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट, ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू सॉरी यहाँ पे c होगा, ए इक्वल टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, तो 5b² इक्वल टू a², यानी 5b² इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5c², एक प्लेस पे मैंने क्या ले लिया 5c ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 25c². क्लियर? यानी वी कैन राइट b² इक्वल टू 25c² अपॉन 5, कोई डाउट? यानी 5 × 5 = 25, यानी b² इक्वल टू 5c². तो यहाँ पे देखो a² इक्वल टू क्या है 5b² है, और b² इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 5c² यानी a और b के स्क्वायर प्राइम फैक्टर में क्या मिल रहा है हमको, कॉमन फैक्टर सॉरी ए और बी के कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ भी 5 मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? मैं ऊपर वाले यहाँ क्लीन कर रहा हूँ।
नाउ ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर फाइव. दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पर देखो, एक स्क्वायर के में क्या मिल रहा है हमको? फाइव मिल रहा है. यहाँ पे भी, यहाँ बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है? फाइव सी स्क्वायर है. यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है? फाइव मिला, और यहाँ भी हमको फाइव मिल रहा है. तो दोनों में नाउ ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर फाइव. तो जब कॉमन फैक्टर फाइव आ गया, यानी ए एंड बी क्या है? को प्राइम नहीं है, क्योंकि जब को प्राइम होता तो एक वन से ज़्यादा उसमें क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है. एक के सिवा यानी वन उसमें आता है कॉमन फैक्टर. जब हमको यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? दूसरा डिजिट यानी फाइव. बट कॉन्ट्राडिक्ट इज फैक्ट दैट क्या तो ए बट कॉन्ट्राडिक्ट इज फैक्ट दैट. क्या कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट है? ए एंड बी आर को प्राइम नंबर. जबकि कॉन्ट्राडिक्ट क्या है हमारा? कि ए और बी क्या है हमारा? को प्राइम है. और जबकि हमारे यहाँ पे क्या मिल रहा है? को प्राइम होता है यानी वन फैक्टर मिलता, जबकि हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? फाइव मिल गया. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. जो हमें माना गया क्या हो गया? जो हम लोगों ने माना था उसको क्या हो गया? गलत हो गया. हमने माना था क्या? रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर होता तो ए और बी का क्या होता? को प्राइम नंबर होता. यानी ए और बी में कॉमन फैक्टर वन मिलता, जबकि हमारे ए और बी में कॉमन फैक्टर क्या मिल गया? फाइव मिल गया. यानी हमारा हमने माना था जब हमारा को प्राइम जब रैशनल नंबर होता तो ए और बी क्या होता? को प्राइम होता. जबकि यहाँ पर ठीक उसका उल्टा आ गया, वो को प्राइम नहीं आया. ठीक है, जब को प्राइम नहीं आया यानी वो रैशनल नंबर भी नहीं है. तो रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? वो तो इरेशनल नंबर होगा. सो देयरफॉर रूट फाइव इज रैशनल नंबर. यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी है. आपके टू एंड थ्री मार्क्स में ऑलवेज ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक जो हमें प्रूव करना होता है उसके अपोजिट चलते हैं. मैंने क्या प्रूव मान लिया था? कि लेट डैट रूट फाइव इज अ रैशनल नंबर. देन रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर कंपोजिट, सॉरी को प्राइम नंबर. ए एंड बी आर को प्राइम नंबर. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व किया. लेकिन हमको को प्राइम में क्या होता है? दोनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर वन आता है, जबकि हमें कॉमन फैक्टर क्या मिल गया था यहाँ पर? फाइव मिल गया. तो जब वन नहीं है, इसका मतलब हमने जो अजम्पशन किया था वो रॉन्ग हो गया, यानी वो रैशनल नंबर नहीं है. जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? वो इरेशनल नंबर, सॉरी यहाँ पर इरेशनल आएगा. इरेशनल नंबर प्रूव्ड. क्लियर? आप इसके बेस पर खुद से सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन. यहाँ पर रूट फाइव दिया हुआ है, आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ. इसी बेस पर बिल्कुल बनेगा कि प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इरेशनल नंबर. ये आपका होमवर्क है. उसमें किसको किसको दिखाओगे?
रूट टू ऐसे पूछा जा सकता है, रूट थ्री भी बनेगा, रूट फाइव, सॉरी रूट फाइव तो मैंने बता दिया, रूट सेवन, इतना काफ़ी है। तीन को आप खुद से प्रैक्टिस करना सेम इसके जैसा ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, काफ़ी ईजी है। अब इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा ईजी है, क्लियर। अब इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर हम टू देखेंगे। ये होमवर्क नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर टू, प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू क्या है? प्रूव डैट थ्री प्लस रूट टू रूट फाइव इज इरेशनल। अब जब भी प्लस माइनस साथ में आ जाता है ना तो और इजी हो जाता है, पहले से जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने प्रूव किया है उससे भी इजी हो जाएगा। सेम अजम्पशन करेंगे हम, अजम्पशन क्या करेंगे, लेट ठीक इसके अपोजिट हम अजम्पशन करेंगे कि थ्री प्लस टू रूट फाइव इज क्या, तो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। ठीक है, लेट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रैशनल नंबर, देन देखो जब हमने इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को प्रूव करना था, ठीक उसका अपोजिट हम लेके चलेंगे। अपोजिट क्या होगा, इरेशनल नंबर का अपोजिट होता है रैशनल नंबर। अब लिखेंगे जब इरेशनल नंबर है यानी ये किस फॉर्म में होगा, ए सॉरी थ्री प्लस टू रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, क्लियर। वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी हम फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है नॉट इक्वल टू जीरो ही होता है, यानी जीरो के बराबर नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लिख सकते हैं टू रूट फाइव इक्वल टू, ये थ्री प्लस में इधर साइड चेंज करके इधर लाएंगे हम, ए प्लस ए अपॉन बी माइनस थ्री, कोई डाउट। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं टू रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन बी, ये डायरेक्ट कुछ नहीं है तो वन है, तो ए और बी कैल्शियम क्या होगा, बी और वन कैल्शियम बी, और डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री बी, क्लियर। ए माइनस थ्री बी अपॉन बी। अब क्या होगा यहाँ पर, रूट फाइव इक्वल टू ए माइनस थ्री बी अपॉन बी, और इनटू में है तो ये भी डिवीजन में आ जाएगा, यानी इसको मैं ऐसे लिख दूँ टू बी। यहाँ तक कोई डाउट, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखो ये रूट फाइव हो गया, जो आपके हम लोग प्रूव कर चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं रूट फाइव क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और जबकि ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है। अब बीच में क्या है, इक्वल का साइन है, क्या ये इक्वल होगा, रैशनल और इरेशनल दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं। तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एग्जाम में उसको लिखेंगे, वी नो डैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, वी नो डैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, एनी डाउट। अब एंड इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है, एंड
ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है और ये क्या है ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी इज ठीक है। वी नो डैट रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, हम लोग ये जानते हैं अच्छे से। और ये क्या है हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो ए माइनस थ्री बी इज इरेशनल नंबर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, तो ये रेशनल नंबर, ये क्या इरेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। तो ना वी कैन राइट रूट फाइव नॉट इक्वल टू ए माइनस थ्री बी अपॉन टू बी, कभी भी रेशनल नंबर बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या, रूट फाइव नॉट इक्वल टू ए माइनस थ्री बी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्या हो गया, वो रॉन्ग हो गया, तो क्या लिखेंगे, हैंस थ्री प्लस, जब रॉन्ग हो गया तो रॉन्ग क्या हो गया, रेशनल रॉन्ग हो गया, रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। हैंस थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, इरेशनल ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इस टाइप के जब भी प्लस माइनस वाला आ जाए ऐसे ही बनता है। क्लियर, यू हैव एंड आउट, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट वाले से काफी सिंपल था। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड हमारा बिल्कुल सेकेंड के जैसा ही है, सेकेंड के जैसे आपको थर्ड का थर्ड बना लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉरी थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल फर्स्ट है हमारा वन अपॉन रूट टू, ठीक है, तो उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। लेट वन अपॉन रूट टू, सॉरी रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वन अपॉन टू इज रैशनल नंबर। लेट वन अपॉन टू इज इरेशनल नंबर, देन ये इरेशनल नंबर हो गया, तो ये क्या होगा, ए अपॉन बी के फॉर्म में होगा, ठीक है, यही ना होता है इरेशनल नंबर फॉर्म में, लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स, आर सम इंटीजर्स एंड
बी नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। अब देखो ये रूट में हम क्या करते हैं, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे दोनों साइड, ये रूट टू अपॉन वन इधर क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, वन अपॉन रूट टू का, रूट टू अपॉन वन इक्वल टू बी अपॉन ए। अब यानी यहाँ पे हम क्या लिख दिए, तो क्या मिला हमारा रूट टू इक्वल टू बी अपॉन ए। अब ये क्या हम जानते हैं, ये रेशनल नंबर है, रूट वाले क्या है रेशनल नंबर है, जबकि ये क्या हमारा रेशनल नंबर है, क्या है दोनों बराबर होगा। तो हम लिखेंगे वी नो डैट रूट टू इज इरेशनल नंबर एंड ए अपॉन बी इज रैशनल नंबर। यहां पर इसको इक्वेशन वन मान लो। यहां तक कोई डाउट, काफी इजी है। जब ये इरेशनल नंबर है रूट टू और ये क्या रैशनल नंबर है, तो कभी ये दोनों बराबर आपस में हो नहीं सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन वन रूट टू नॉट इक्वल टू बी अपॉन ए, रूट टू क्या होगा बी अपॉन ए के बराबर नहीं होगा। सो आवर जब दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, जबकि हमने माना क्या था कि दोनों आपस में, ये क्या आपस में बराबर है, तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यानी हमने जो माना था कि वन अपन रूट टू इज रैशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, हमने क्या माना था कि वन अपन टू क्या है एक रैशनल नंबर है, तो वो अजम्पशन हमारा क्या होगा, अजम्पशन रॉन्ग हो गया। जो हमने माना था, जब रॉन्ग हो गया इसका मतलब क्या होगा, रैशनल नंबर नहीं बल्कि इरेशनल नंबर है। सो वी कैन राइट वन अपॉन रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। क्लियर, कोई डाउट? सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड ऐसा ही है इसका, फिर भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप करेंगे, थर्ड का जहां भी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करने के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आपको होमवर्क दिए गए हैं वो खुद से कर लीजिएगा। अच्छा से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड का, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, सेवन और रूट फाइव, सेम वैसे ही हमारा, लेट सेवन रूट फाइव इज रैशनल नंबर। इसको क्या मान लिया हमने, रैशनल नंबर मान लिया। देन क्या होगा, सेवन रूट फाइव इक्वल टू वी कैन राइट ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर सम इंटीजर्स, आर सम इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो। यहां तक कोई डाउट? अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको, रूट फाइव इक्वल टू ए अपॉन ये हमारा न्यूमरेटर प्लेस पे है, साइड चेंज करेगा तो डिनोमेटर प्लेस पे आ जाएगा, या रूट फाइव इक्वल टू वी कैन राइट ए अपॉन सेवन बी, तो क्या, और रूट फाइव हम लोग क्या जानते हैं कि रैशनल नंबर है, और ये क्या है रैशनल नंबर है, और बीच में इक्वल का साइन है, क्या कभी पॉसिबल हो सकता है कि रैशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर हो, तो नहीं। तो कैसे लिखेंगे हम, वी नो डैट
क्या हम लोग जानते हैं कि रूट फाइव एच, इसको इक्वेशन वन मान लो, ठीक है, इरेशनल. वी नो डेट फाइव इज, रूट फाइव इज इरेशनल नंबर. एंड ए अपॉन सेवन बी क्या है, ए अपॉन सेवन बी इज रैशनल नंबर. क्लियर? यहां से लिख सकते हैं कि अभी दोनों एक क्या है, ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रैशनल नंबर. ये कभी दोनों बराबर नहीं हो सकता है. तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से क्या पता चलता है कि ये रूट फाइव नॉट इक्वल टू ए अपॉन सेवन बी. रूट फाइव नॉट इक्वल टू ए अपॉन सेवन बी. जब ये बराबर नहीं है तो क्या हो गया, हमारा जो अजम्पशन हो गया वो रॉन्ग हो गया. सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग. अजम्पशन रॉन्ग हो गया, यानी हमने जो माना था कि हमारा रैशनल नंबर है ये, तो जो वो बात हमारी क्या हो गई, गलत साबित हो गई कि रैशनल नंबर है ही नहीं. जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, हेंस जब रैशनल नंबर दे क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा. तो लिखेंगे सेवन रूट फाइव इज इरेशनल. ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद से सॉल्व करेंगे. बाकी मैंने और भी आपको होमवर्क दिया है, वो भी आप खुद से सॉल्व करेंगे. इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. तब तक के लिए फिर से हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थी मित्रों को जय श्री स्वामीनारायण.